Hello guys, welcome back to Creations by Hina's YouTube channel. In this video, I am going to show you how to make scenery bottle lamp. On this lamp, I am going to draw a beautiful scenery. First of all, we need a clean glass bottle, Fevicryl glass color and Fevicryl outliner. फेविक्रिल आउटलाइनर किसी भी चीज़ों पर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्लास बॉटल पर यूज़ कर रही हूँ। सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करना है। आप कोई भी सीनरी यहाँ पर बना सकते हो। आप हार्ट बनाना स्टार्ट करोगे बॉटल के साइड वाले पार्ट से, जैसे कि आप बॉटल में देख रहे हो इस वीडियो में। एंड हार्ट के साइड वाले पार्ट में आप कुछ ट्रीज बना दें, कुछ माउंटेन्स के इफेक्ट्स डाल दें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। आउटलाइनर बहुत इजी होता है यूज़ करना ग्लास बॉटल्स पर। आप सिंपली ड्रॉ करना है आपको बस। और यहाँ पर मैंने ग्लास मार्किंग पेंसिल्स यूज़ किए हैं अप्सरा के। मैं आपको वाइट एंड ब्लैक शेड दिखा रही हूँ ग्लास मार्किंग पेंसिल्स के। मैंने ब्लैक कलर के पेंसिल से रेनबो ड्रॉ किया है। यहाँ पर रेनबो के लाइंस बहुत प्रॉपर होने चाहिए और स्ट्रेट स्ट्रेट होने चाहिए, इसलिए मैंने मार्किंग पेंसिल का यूज़ किया है लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। एंड देन मैं उस मार्किंग पेंसिल के ऊपर आउटलाइनर डालूँगी लाइक दिस इन वीडियो। जब आउटलाइनर्स आपका सूख जाए तो आप उसको सॉफ्ट क्लोथ से लेकर मार्किंग पेंसिल्स के सारे मार्क्स आप रब कर सकते हो। एंड देन मैं कुछ क्लाउड्स बना रही हूँ, जस्ट सिंपल। बहुत इजी है ये बॉटल लैम्प बनाना। एंड नाउ आउटलाइनिंग इज रेडी। सबसे पहले आप आउटलाइनर्स को सूखने दें प्रॉपरली। प्रॉपर तरीके से सूखने में आउटलाइनर 5 to 6 आवर्स लगाते हैं। उसके बाद आपको ग्लास कलर्स लेने हैं। सबसे पहले मैंने रेड शेड यूज़ किया है। ग्लास कलर्स को आप थोड़ा सा ड्रॉप करें एंड फिर कोई भी पतली चीज़ से, टूथपिक या सेफ्टी पिन से, आप उसे फैला दें। और बिल्कुल हल्का हल्का ग्लास कलर्स देना है ग्लास के ऊपर, ताकि वो ग्लास कलर्स फैले ना। जब एक साइड के ग्लास कलर्स सूख जाएं, देन फिर आपको दूसरे साइड ग्लास कलर्स से पेंट करना है। ग्लास कलर्स बिल्कुल पानी के जैसे होते हैं, वो बिल्कुल फैल जाते हैं अगर आप उसके पोजीशंस को इधर उधर करें तो। इसलिए सबसे पहले आप जहाँ पर ग्लास कलर लगा रहे हो, सबसे पहले उसे सूखने दे दो। उसके बाद उसके बैक साइड वाले एरिया में ग्लास कलर्स पुट करो। अब मैं रेनबो को कलर करना स्टार्ट कर दी हूँ। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स इन माई प्रीवियस यूट्यूब वीडियो एंड ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Also, please make sure to like, share and subscribe the channel. And please comment below how you like this video. And if you have any query regarding this video, please comment below in the comment section. मैं आपके सारे doubts को clear करूँगी comment section में। Also, glass colors and outliner के link मैं description box में provide कर दी हूँ। Please check it out.
ग्लास पेंटिंग को पूरी तरह से सूख जाने दो। एंड अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी हैंगिंग। बहुत सिंपल वे है, इसके लिए हमें चाहिए फेविकोल, सीजर एंड जूट रोप। सबसे पहले आप हैंडल बना दो उसका। उसके हैंडल के लिए मैंने दो इक्वल लेंथ के जूट रोप को आपस में पेस्ट कर दिया है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। एंड सबसे पहले उस हैंडल को दो साइड से इस तरह से पेस्ट कर लें। जब वो सूख जाए तो सिंगल जूट रोप लेकर आप बॉटल के टॉप को कवर कर दो इस तरह से। फेविकोल के हेल्प से ये बहुत जल्दी सूख जाता है और बहुत इजी मेथड है ये हैंगिंग बनाने का। एंड अब बारी आती है लाइट्स की। मैंने यहाँ पे कॉर्क लाइट्स यूज़ किए हैं जिसमें 20 एलईडी लाइट्स होते हैं। एंड दिस इज द फाइनल लुक। गाइज प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Also comment below your views how you like the video. Thank you.